अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जान। स्वीप प्लान के अंतर्गत भीकन गांव में जन जागरूकता रैली का आयोजन। खंडवा लोकसभा उपचुनाव के अंतर्गत भीकन गांव में निर्वाचन को लेकर मध्य प्रदेश शासन के निर्देश अनुसार स्वीप प्लान के तहत मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन सुबह 9 बजे जनपद कार्यालय से किया गया, जिसमें लोकसभा उपचुनाव के मद्देनजर शहर की आम जनता को अपने मताधिकार के लिए जागरूक किया गया। रैली के आरंभ में नगर के बस स्टैंड पर जननायक टंटिया मामा महाविद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा मतदान के प्रति जागरूकता का नाट्य मंचन किया गया। रैली में समस्त विभागों के कर्मचारी व अधिकारी उपस्थित रहे। रैली नगर के गांधी चौक जैन मंदिर विट्ठल मंदिर से कन्या माध्यमिक विद्यालय मैदान पर पहुंची, जहां जिला पंचायत सीईओ दिव्यांक सिंह ने सभी को शपथ दिलाई कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन को बिना किसी प्रलोभन में आए अक्षुण रखेंगे। रैली में जिला पंचायत सीईओ दिव्यांक सिंह, एसडीएम सिदाली जैन, तहसीलदार देव कुंवर सोलंकी, विकास खंड शिक्षा अधिकारी राजेश तिवारी, विकास खंड स्रोत समन्वयक वाणी विलास, नगर परिषद सीएमओ मोहन सिंह अलावा थाना प्रभारी विक्रम चौहान उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन मनोज श्रीवास ने किया। आज भीकन गांव नगरी क्षेत्र में हमने मतदाता जागरूकता रैली करी है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि 30 अक्टूबर को लोकसभा का उपचुनाव होने वाला है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो, मतदान प्रतिशत काफ़ी अच्छा रहे और सब लोगों को इस बात की जागरूकता रहे कि उस दिन जाके अपने मताधिकार का प्रयोग करना है। काफ़ी अच्छी रैली रही, सब लोगों को जागरूक किया गया और मेरा सबसे यही आग्रह रहेगा कि 30 तारीख को प्रातः 7 बजे से लेकर शायद 6 बजे तक जाके अपने मताधिकार का प्रयोग ज़रूर करें। चुनाव के लिए हम लोगों ने पूरा जितने भी चुनाव के लिए मतदान केंद्र हैं उन सब की तैयारी कर ली है, टीमें बना ली हैं, FST SST बना लिया है। स्वीप प्लान के अंतर्गत हम लोग जागरूकता अभियान चला रहे हैं। हम आशा करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान करें और इस चुनाव को सफल बनाएं। बिजियाना न्यूज़ डिमांड रिपोर्ट, भीकन गाँव।